कस्टम रूम ले लाइए। सो गाइस, अगर आपको एक कस्टम रोम वाला फोन चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पधारे। यहाँ पर आपके सारी दुविधा, सारे डाउट्स इस वीडियो के आखिर तक क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा फोन इस टाइम पे बेस्ट रहेगा कस्टम रोम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कस्टम रोम पसंद है। अरे रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? जिन लोग कस्टम रोम पहली बार सुन रहे हैं उनको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। कस्टम रोम वो चीज होती है, जैसे आपके पास Xiaomi का कोई फोन है उसमें आप OnePlus का Oxygen OS का पूरा यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं एंड उसके स्मूथनेस का मजा इस फोन में लेते हैं। इस चीज को कस्टम रोम कहते हैं एंड ये वैसा ही होता है जैसे विंडोज में आप लिनक्स डाल देते हैं या Ubuntu डाल देते हैं या कोई और विंडोज डालते हैं और वो प्रॉपरली वर्क करती है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की चीजें अपने फोन में करने का एक ऑप्शन मिल जाता है जो कस्टम रोम यहाँ पर पॉसिबल बनाता है। थोड़ा तो मजा आया होगा, थोड़ा एक्साइटिंग डेफिनेटली लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब भी हम कस्टम रोम का नाम लेते हैं सबसे पहला फोन हमारे दिमाग में आता है Redmi Note 4, Redmi Note 5 Pro, Poco F1, Redmi K20 Pro और इस टाइम पे जो चल रहा है ताबड़तोड़ जिसमें अनबिलीवेबल यहां पर कस्टम रोम का सपोर्ट है वो है Mi 11X। जी हाँ दोस्तों, ये फोन ऐसा है जिसका कस्टम रोम डेवलपमेंट Poco F1 से भी ज्यादा अब यहां पर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि काफी यूजर्स हैं Mi 11X के। सबसे पहली बात, इस फोन में आपको Snapdragon 870 मिल जाता है। सो कस्टम रोम और Snapdragon का बहुत पुराना रिश्ता है, ये दोनों आपस में एक साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद इसमें आता है Xiaomi का MIUI जो दिल को बहुत दुख देता है, बहुत दर्द दे देता है। इस दर्द को निकालने के लिए काफी डेवलपर्स मेंटेनर्स यहां पर आगे आए हैं जो कस्टम रोम पे वेरियस कस्टम रोम पे काम कर रहे हैं। एक कस्टम रोम से क्या क्या फायदे मिलते हैं इसकी वीडियो भी मैंने एक बनाई, आप डेफिनेटली उस वीडियो को यहां पर आई बटन में जाके देख लीजिए एक बार, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे A to Z। नाउ आप सोचोगे Mi 11X ही मैंने यहां पर क्यों दिया। सबसे पहला उसमें से मुद्दा आ जाता है प्राइसिंग, क्योंकि कोई भी फोन लेगा सबसे पहली चीज देखेगा कि फोन में क्या है, वो नहीं देखेगा, सबसे पहले देखेगा प्राइस कितना है भैया उसका। प्राइस के बाद आ जाती है बाकी सारी चीजें रिक्वायरमेंट वाली। सो सबसे पहले आता है बजट। सो ये फोन आता है यहां पर 27-28 हज़ार का आपको Amazon मिल जाता है। बट इसमें एक चीज, ये खासियत है कि इस फोन में अगर आप कोई भी लुल्लू पुल्लू फोन भी लेके एक्सचेंज करते हैं, जैसे यहां पर लावा का Z1 है, इसका प्राइस 5,000 है, ये अगर आपके पास पुराने जमाने का पड़ा हुआ है इसकी एक्सचेंज वैल्यू आपको 6,000 से ज्यादा यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आपको Mi 11X यहां पर काफी सस्ते रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ काफी तगड़ी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। जो MIUI रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो कस्टम रोम यहां पर इनेबल कर देता है। इवन मैंने खुद यहां पर इस फोन को 16,000 में खरीदा था। कैसे खरीदा था वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट 20,000 के अंडर में है डेफिनेटली ये फोन आपकी चॉइस हो सकता है। बस शर्त ये है कि कोई सा भी लुल्लू पुल्लू फोन आप एक्सचेंज के लिए रेडी रखिए, प्लस बैंक के ऑफर भी यहां पर कभी कभी रहते हैं तो उनके लिए आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम पे एक डील्स वाला चैनल है, उसमें आपको लेटेस्ट डील सबसे सस्ते रेट में एक का दो भैया आपको चाहिए, आप सभी की जो है डिमांड पूरी की जाएगी। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर करें कि ज्वाइन जरूर कर लेना। फोन को रिकमेंड करने का दूसरा रीजन था अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टम रोम। यहाँ पर कितनी कस्टम रोम मिल जाती है, जितनी कस्टम रोम बनी है आज तक सभी आपको इस फोन के लिए मिल जाएंगी, चाहे वो एवोल्यूशन एक्स हो, पिक्सल रोम हो, एक्सडीरोइड रोम हो, एरो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या पोर्टेड रोम हो जैसे मोटोरोला की MIUX, उसके बाद रियलमी की कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी है, अब अगर आप यहाँ पर रोज भी एक एक कस्टम रोम डालेंगे तो आपको यहाँ पर 2 महीने एटलीस्ट लग जाएंगे इतनी सारी कस्टम रोम है ट्राई करने के लिए। कस्टम रोम के साथ यहाँ पर वेरियस कस्टम कर्नल्स भी मिल जाते हैं। अब कस्टम कर्नल्स क्या होते हैं, एक कस्टम रोम को डाल के आप रॉ परफॉर्मेंस ले सकते हैं अपने फोन का, जो MIUI यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इतने सारे बग्स देता है, इतनी सारे ऐप्स दे देता है जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज को खींच लेता है एंड हमें वो पावर नहीं देता है जो कैपेबल होता है फोन हमें देने के लिए। सो उस चीज को यहां पर आप अनलॉक कर सकते हैं विद कस्टम रोम। प्लस कस्टम रोम में एक जो है मक्खन ऊपर से लगा देना, उसे कहते हैं कस्टम कर्नल का काम। सो यहां पर कस्टम कर्नल भी मिल जाते हैं एंड कर्नल क्या होता है इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को यहां पर आई बटन में जाके देखिए, वो भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं इस फोन के लिए। उसके बाद अगली चीज ये है कि यहां पर Xiaomi के जितने भी फोन हैं ये फोन भी इंक्लूडेड। इसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, हेल्पिंग टूल्स जिन्हें हम बोलते हैं।
अगर कस्टम रोम इंस्टॉल करते टाइम आपका फोन यहां पर स्विच ऑफ हो जाता है, ऑन होता है या नहीं हो रहा है कुछ भी बूट, तो आपके पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपने फोन को इजिली ठीक कर सकते हैं या बैक टू यहां पर मेम यूआई में जा सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग एक हमारा टेक एंथुसियास्टिक वाला चैनल है टेलीग्राम पे, आप उस चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। कुछ भी दिक्कत आती है, चाहे आपका ब्रिक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप जो है उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपकी बराबर हेल्प की जाएगी। उसी के साथ अगला मुद्दा आता है, जब आप कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आपको कैमरा का थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर उस चीज़ को पूरा करता है इसका कैमरा का कम्युनिटी। यहाँ पर इसकी कैमरा से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, आपको ढेर सारे जी कैम का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है विद वेरियस XML फाइल्स। सो आपको जिस टाइप की भी फोटोग्राफी चाहिए, चाहे आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी में भी अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हैं, हर चीज़ का मज़ा आप जी कैम से ले पाएंगे इस फोन में। Now, अगली चीज आ जाती है, कितने अपडेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर कस्टम रोम में। तो मैंने यहाँ पर वेरियस कस्टम रोम इंस्टॉल करके देखी, जैसे मेरी फेवरेट तो यहाँ पर पिक्सल या USB बेस्ड जो भी रोम है, जितनी भी रोम्स है सब मेरी फेवरेट ही है। सो उनको रेगुलरली अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ पर जो है Mi 11X को यूज कर रहे हैं, तो वो लोग काफी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं सपोर्ट को। रेगुलरली आपको मंथली अपडेट्स मिलते रहते हैं, कभी कभी महीने में 2 बार भी मिल जाता है, अगर कोई बग्स वगैरह तुरंत फिक्स किए जाते हैं। आपके पास यहाँ पर डेवलपर से बात करने का डायरेक्टली ऑप्शन है, आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है। डेवलपर के साथ आपका डायरेक्ट 1-to-1 यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है। इवन आप यहाँ पर इसके ग्रुप में ऐड होके जो भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे Mi 11X वाले यूजर हैं, उनसे पूछ सकते हैं भैया आपके में ये दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, या इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो वहाँ पर जो है आपको एक सपोर्ट डेफिनेटली मिल जाता है, जिससे आपका माइंड फ्री हो जाता है। माइंड फ्री रहेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। सो जो Redmi Note 4 था उसको अभी भी कुछ कुछ कस्टम रोम का सपोर्ट मिल रहा है। सो वो 5-6-7-8 साल पुराना फ़ोन था, उसे मिल रहा है, तो इस फ़ोन को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने अच्छे सपोर्ट, इतने अच्छे यहाँ पर मेंटेनर्स के साथ। 5-6 साल तक आप कहीं नहीं जाने वाले, आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगे, एंड रेगुलरली अपडेट्स मिलेंगे इस प्रोसेसर के साथ, तो आप इस फोन को लंबे रन तक चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इस फोन में आपको 5G का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो 5G आने के बाद भी जो मेजर बैंड है N78, वो भी इसमें मिल जाते हैं, तो 5G की भी कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली आप इस फोन को चला पाएंगे लंबे टाइम तक। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस फोन का कि ये फोन हमारे पास भी है, जितने भी अपडेट आपको मिलेंगे हम डेफिनेटली इस फोन की वीडियो काफी बनाते रहते हैं, काफी वेरियस कस्टम रोम को इंस्टॉल करके ट्राई करके आपके सामने लेके आते रहते हैं। सो आप इस फोन के अपडेट्स हमारे थ्रू भी यहां पर सबसे पहले पा पाएंगे। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को हरा नहीं करना है, खाली दबा देना है, और बगल में जो घंटी बजी उसे भी दबा देना है। सो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आपका कस्टम रोम मेन प्रायोरिटी, आप कस्टम रोम के बिना नहीं रह सकते, डेफिनेटली आप जो है Mi 11X के साथ जा सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि इतने कस्टम रोम का सपोर्ट काफ़ी देखने में मज़ा आता है, काफ़ी यहाँ पर एक्साइटमेंट चीज़ें होती रहती है, क्योंकि हर हफ्ते आपको नई नई रोम मिलती है, आप खुद ही इतने एक्साइटेड रहते हैं कि भैया इसमें कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, इसमें कैसे मिलेगी। सो डेफिनेटली Mi 11X फॉर कस्टम रोम मेरी तरफ से हाँ है, ये मुंबई आ रहा है। मुंबई आने के लिए थोड़ी आया। सो एज आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस साबित होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है।